8 अप्रैल 2016 से लेकर 29 मार्च 2017 तक 11,000 किलोमीटर 11 महीने 20 दिन में यात्रा करते हुए पब्लिक को नशा पानी न करने के इजाज़त देते हैं कि नशा पानी न करे, पढ़ाई लिखाई करे, दीवाने न बने। दीवाने को पागल लोग कहते हैं, दीवानगी में पढ़ाई नहीं होता, ये हम मेरा मकसद है। और दूसरी बार हम ऑल इंडिया यात्रा के लिए रिक्शे द्वारा निकले छपरा बिहार से 29/9/2018 से लेकर हमने छपरा से दिल्ली आए, दिल्ली से जम्मू गए, जम्मू से दिल्ली आए, राजस्थान आए, गुजरात आए, फिर महाराष्ट्र होके बम्बई आए, बम्बई से पूना होते हुए कोल्हापुर होके गोवा हम पहुँचे 25 मार्च 2019 को गोवा पहुँचे हुए हैं। एक हमारे गांव के हैं, वहीं ठहरे हुए हैं अभी। और यहां से हम 10-12 तारीख को निकलेंगे कर्नाटक होते हुए बंगलौर कन्याकुमारी के तरफ, जबकि कन्याकुमारी 2 साल पहले हम जा चुके हैं। और ये या तो मैहर होते हुए बनारस निकलेंगे, या तो कन्याकुमारी होकर उड़ीसा होते हुए बंगाल होते हुए बिहार निकलेंगे। और हर जगह हमारी यही मनोकामना है कि पढ़ाई लिखाई करें, नशा ना करें। ऑल इंडिया यात्रा करने का मकसद है कि पब्लिक पढ़े लिखे और नशा ना करें, अपने शरीर को देखते हुए हर चीज़ खाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि शाकाहारी ना हो, मांसाहारी ना हो, अपने दिल के च्वाइस से हर चीज़ खाएं, लेकिन शरीर अपना तंदुरुस्त होते हुए। ये नहीं कि हम खाएं और हमारी शरीर रोगी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शराब ना दवा है ना अमृत है, लेकिन अपने शरीर को देखते हुए हर तरह यूज करें। नहीं करते तो अच्छी बात है, करते हैं तो शरीर को देखते हुए उसको दवा समझ के ही करें। ज़्यादा बोतल ना पिए, इसलिए खराब ही है। हम चाहेंगे ना करें तो अच्छी बात है, बाकी आप लोग की मर्जी है। और जो आए हैं उन्हें तो जाना है, लेकिन अच्छा इतिहास करके जाए तो अच्छा है। जैसे भगत सिंह, अब्दुल कलाम, ऐसे ऐसे उदाहरण है। जैसे झारखंड में दशरथ मांझी पहाड़ काटे दूसरों के लिए। ऐसा है कि हर पब्लिक से मिलते हुए यात्रा के मकसद से और हर पब्लिक को पढ़ाई के संदेश देते हैं कि हम नहीं पढ़े लेकिन और आदमी पढ़े तो हमारी खुशी मिलती है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय गोवा।